यादों में श्रीदेवी 4 साल की उम्र से शुरू किया था फिल्मी करियर। बॉलीवुड में श्रीदेवी का नाम एक ऐसी स्टार अभिनेत्री के रूप में लिया जाता है जिन्होंने अपने दिलकश अदाओं और दमदार अभिनय से 80 और 90 के दशक में दर्शकों के दिल में अपनी खास पहचान बनाई। श्रीदेवी का मूल नाम श्रीयम्मा यंगर था। उनका जन्म 13 अगस्त 1963 को तमिलनाडु के एक छोटे से गाँव मीनमपट्टी में हुआ था। श्रीदेवी ने अपने फिल्मी करियर की शुरुआत महज 4 वर्ष की उम्र में एक तमिल फिल्म से की थी। 1976 तक श्रीदेवी ने कई दक्षिण भारतीय फिल्मों में बतौर बाल कलाकार काम किया। बतौर अभिनेत्री श्रीदेवी ने अपनी करियर की शुरुआत तमिल फिल्म मुद्रु मुदुची से की थी। 1977 में रिलीज तमिल फिल्म 16 भयानक नीले के सफलता के बाद श्रीदेवी स्टार अभिनेत्री बन गई थी। हिंदी फिल्मों में बतौर अभिनेत्री श्रीदेवी ने अपने फिल्मी करियर की शुरुआत 1979 में प्रदर्शित फिल्म सुलावा सावन से की, लेकिन फिल्म असफल होने के बाद श्रीदेवी हिंदी फिल्म इंडस्ट्री छोड़ दक्षिण भारतीय फिल्मों की ओर लौट गई। तो वही 1983 में श्रीदेवी ने एक बार फिल्म हिम्मत वाला के जरिए हिंदी फिल्मों की ओर अपना रुख किया। फिल्म की सफलता के बाद बतौर अभिनेत्री वो हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में अपनी पहचान बनाने में कामयाब हो गई। 1983 में श्रीदेवी की फिल्मी करियर की एक और अहम फिल्म सदमा प्रदर्शित हुई। ये फिल्म भाला के बॉक्स ऑफिस पर असफल साबित हुई, लेकिन दर्शक आज भी ऐसा मानते हैं कि ये श्रीदेवी की करियर की सर्वश्रेष्ठ फिल्मों में से एक है। तो वही 1986 में रिलीज फिल्म नगीना से श्रीदेवी को काफी पॉपुलैरिटी मिली। 1987 में प्रदर्शित फिल्म मिस्टर इंडिया श्रीदेवी की सबसे कामयाब फिल्म साबित हुई। तो वही 1989 में श्रीदेवी के फिल्मी करियर की एक और ब्लॉकबस्टर फिल्म चालबाज रिलीज हुई। इस फिल्म में श्रीदेवी ने दो जुड़वा बहनों की भूमिका निभाई थी। 1989 में श्रीदेवी की एक और सुपरहिट फिल्म चांदनी रिलीज हुई। यश चोपड़ा के निर्देशन में बनी इस फिल्म में श्रीदेवी ने चांदनी की भूमिका निभाई। इस फिल्म में श्रीदेवी के कैरेक्टर को आज भी काफी पसंद किया जाता है। तो वही 1991 में प्रदर्शित फिल्म लम्हे श्रीदेवी के फिल्मी करियर के सबसे अहम फिल्मों में शुमार की जाती है। इस फिल्म में उन्होंने एक बार फिर से निर्माता निर्देशक यश चोपड़ा के साथ काम करने का अवसर मिला। इस फिल्म में श्रीदेवी ने माँ और बेटी के रूप में दोहरी भूमिका निभाई थी। फिल्म में चुलबुले अंदाज से श्रीदेवी ने दर्शकों का दिल ही जीत लिया था। तो वही 1996 में निर्माता निर्देशक बोनी कपूर के साथ शादी करने के बाद श्रीदेवी ने फिल्मों में काम करना काफी हद तक कम कर दिया था। तो वही 1997 में प्रदर्शित फिल्म जुदाई बतौर अभिनेत्री श्रीदेवी के फिल्मी करियर का अंतिम महत्वपूर्ण फिल्म साबित हुई थी। इस फिल्म में उनके अभिनय का नया रूप देखने मिला। फिल्म इंडस्ट्री के रूप पहले पर्दे पर श्रीदेवी की जोड़ी सदाबहार अभिनेता जितेंद्र के साथ भी खूब जमी। जितेंद्र के अलावा श्रीदेवी की जोड़ी अभिनेता अनिल कपूर के साथ भी काफी पसंद की गई। श्रीदेवी ने अपने 3 दशक लंबे फिल्मी करियर में लगभग 200 फिल्मों में काम किया। श्रीदेवी ने हिंदी फिल्मों के अलावा तेलुगु, तमिल और मलयालम फिल्मों में भी काम किया। श्रीदेवी ने वही 2012 में रिलीज फिल्म इंग्लिश विंग्लिश से कमबैक किया। फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट साबित हुई थी। तो वही 2018 में श्रीदेवी की फिल्म मॉम प्रदर्शित हुई। फिल्म उनके दमदार अभिनय के लिए उन्हें राष्ट्रीय पुरस्कार, फिल्म फेयर पुरस्कार समेत कई पुरस्कारों से सम्मानित किया गया। अपने दिलकश अदाओं से लोगों को मंत्रमुग्ध करने वाली श्रीदेवी 24 फरवरी 2018 को इस दुनिया को अलविदा कह गई। तो दोस्तों, श्रीदेवी के जन्मदिन पर आप उन्हें क्या विश करना चाहेंगे ये हमें जरूर बताइए नीचे कमेंट सेक्शन में, और नवप्रभा लाइव को सब्सक्राइब करिए।